हाँ क्या करेंगे, ससुर जी इतना कंजर है कि एगो हेलमेट नहीं दिया, बाइक तो दिया लेकिन हेलमेट नहीं दिया। अरे ससुर जी कंजर ने, दामाद तो कम आने वाला है तो ले लेते। दामाद तो क्या कमाएगा, जिंदगी भर लेगा, ससुर देता तो एक बात अलग होता, लेकिन आप ससुर जी भी नहीं दिया। ससुर किसी का बनिएगा, और देखते हैं क्या क्या देते हैं। आज ठीक है, चैन फ्री हो गया ठीक है, कैसे यहाँ पॉकेट का, पता हो गया फिर? नहीं। तब आपका मोबाइल में रहता है ना, अगर गली बोलते हैं ना, अभी उसका रखता है दुनिया भर। गए थे कुर्सेला, कुर्सेला में हीरो का हेलमेट लिए, दो का हीरो कंपनी का हेलमेट है। इसका प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं 1295 रुपया है, यहाँ पे देखिए 1295 रुपया है। ये और कितना? इसका दाम बोल रहा था 1300 रुपया, 1300 रुपया दाम बोल रहा था इसका। लिए इस 1250 में लिए, अब इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। 12 समझे हैं हाँ दिया तो पत्रकारी के साथ में दिया था ना, कौन सुन दिया उसको? वो हेलमेट नहीं है, डुप्लीकेट हेलमेट ना है ये। ओरिजिनल तो कम किया था। देखिए हेलमेट 1500 का देखो हेलमेट पापा है, क्या देखिए बोले तुम, देखो 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 देखो, ये देखिए हेलमेट कैसा एक बार लगा के दिखाइए। है, पहन के भी दिखाएंगे। और यहाँ पे जो है कि पूरा खुलता है यहाँ पे, ये देखिए पूरा ये ओपनिंग होता है ऐसे, और ये ग्लास हो गया, ग्लास ऐसे खोलिए, ठीक ना। कैसे कैसे खोलिए? हीरो कंपनी का है, यहाँ पे देखिए स्टील बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, हीरो भी है लिखा हुआ। और हेलमेट कैसा है ना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए बताइएगा किसने ठका कि नहीं, इसका दाम जो था वही लिया। ऐसा तो 1295 रुपया इसका प्रिंट है, आप देखिए कितना, 1300 रुपया मांग रहा था, 1250 में लिए। अब आप लोगों के इधर क्या रेट है ना है, आप लोग बताइएगा जरूर। देख ली, जहाँ पे सांस लेने के लिए दो गो छेद किया हुआ है, जाली लगा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और यहाँ पीछे भी जाली लगा हुआ है एयर निकलने के लिए, मतलब गर्मी ना लगेगा। कपाड़ में लुक तो हमको बढ़िया लगा, पसंद आया। एक शोरूम में लिए, कुर्सला शोरूम में, एक बगल में गए थे शोरूम में, वहाँ तो डुप्लीकेट मिल रहा था हेलमेट, नहीं लिए वहाँ पे। वहाँ कितना दाम बता रहा था? हेलमेट हमको पसंद नहीं आया, वहाँ पे डुप्लीकेट था। और यहाँ पे जो ये मार्क देख रहे हैं आप ISI का, यहाँ पे था पीछे उसमें मार्क, तो डुप्लीकेट था, कुछ बढ़िया से मार्क नहीं किया हुआ था, वो हमको पसंद नहीं आया, तो इसीलिए हम वो हेलमेट छोड़ दिए। फिर वो शोरूम छोड़ के दूसरे का शोरूम गए, वहाँ पे इस हेलमेट लिए हम। और हेलमेट कैसा लगा हम लोगों को बताइएगा कमेंट में ज़रूर, ठीक ना। ये हेलमेट लेने का रीज़न है कि जैसे अभी चेक इन बहुत चलता है, और मेरा बाइक लिया हुआ हो गया कम से कम 7 साल में, 7-8 साल हो गया। दहेज में दिया था हाँ ससुर को, हाँ दहेजे में दिया था, तो ये 7-8 साल हो गया था, तो अब हेलमेट लिया नहीं है लिया। ये हेलमेट, और आज ससुर मिनट टूटा इसको तो आसा मिनट। अरे क्या करेंगे, ससुर जी इतना कंजर है कि अगर हेलमेट नहीं दिया, बाइक तो दिया लेकिन हेलमेट नहीं दिया। ससुर जी कंजर ने, दामाद तो कम आने वाला है तो ले अरे लेते। दामाद तो क्या कमाएगा, जिंदगी भर लेगा, ससुर देता तो एक बात अलग होता, लेकिन आप ससुर जी भी ने दिया। ससुर किसी का बनिएगा, और देखते हैं क्या क्या देते हैं। आज ठीक है, और हेलमेट लिए, और चेकिंग वेकिंग की वजह से वो भी ले लिए सुरक्षा के चलते। और हेलमेट लेने का मेन रीजन है कि हम मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए चाह रहे हैं, और कुछ दिन में जो है ना कैमरा माउंट भी आ जाएगा, वो भी हम दिखा देंगे आपको वीडियो में, कैसा है ना है आप लोग जरूर इसमें बताइएगा। कैसे लगा था? और इसी में सिस्टम रहेगा कैमरा माउंट का, वो कैमरा माउंट फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किए थे, 404 रुपया दाम है। और जो है कि कल ही 6 तारीख को आने वाला डेट था, लेकिन कल भेजा नहीं, आज देखते हैं, आज चेक नहीं किया अभी तक, आज क्या हुआ नहीं हुआ, आज देख लेते हैं आज आता है कि ना। अगर नहीं आया तो फिर जो है ना शाम में अमेजोन से मार देंगे ऑर्डर, उस पर लेंगे वो। और इसमें जो है कि कैमरा माउंट कैसे लगाया जाता है, वो सारा सिस्टम बताएंगे करके, इसमें सेटिंग करके। और मोटो ब्लॉगिंग का जो है ना
बाइक राइडर का बहुत जल्दी वीडियो आएगा। आप लोग कैमरा में, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।